wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Welcome to Simply Lakshmi's Life. हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं। और अभी हम लोग आए हैं फैमिलीज़ में, और फैमिलीज़ के सामने ना इस टाइप का एक एग्जीबिशन लगा हुआ है। ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासकर दिवाली से पहले अगर इस टाइप की एग्जीबिशन में जाती हूँ ना, तो छोटा छोटा बहुत सारा सामान हम लोग खरीद सकते हैं। तो पानी पूरी खा के हम लोग आ गए हैं फैमिलीज़ के अंदर, कुछ शॉपिंग करना है ग्रॉसरी का। अक्टूबर स्टार्टिंग में ना दुर्गा पूजा को लेकर हम लोग इतना बिजी थे कि ग्रॉसरी का शॉपिंग अच्छे से नहीं किया हुआ था, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा कुछ सामान हम लोग लेंगे। इस मंथ हम लोगों का कुछ ऐसा ही चल रहा है, ग्रॉसरी थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ले रहे हैं। कृति का सबसे ज्यादा फेवरेट है पापड़। पापड़ तो ठीक था, बट अभी ना वो कच्चा पापड़ भी खा लेता है। पता नहीं उसको क्या अच्छा लग जाता है इतना कि कच्चा पापड़ खाता है। तो इसीलिए ना पापड़ हम लोगों को मंथ में दो बार शॉपिंग तो करना ही होता है। और मैं जानबूझ के ना पापड़ भूल जाती हूँ कि मैंने पापड़ नहीं लिया है, बट वो खुद आती है और शॉपिंग करके लेके जाती है। और जो फ्रेंड बैंगलोर से है उनको पता है कि इस टाइप का एग्जीबिशन ना काफ़ी सारे जगह में लगते हैं, और सेम पैटर्न रहता है, एकदम सामने रहता है कुछ सिरेमिक का सामान जो बहुत ही प्यारा रहता है। और मैंने एक छोटा सा येलो कलर का कंटेनर लिया है, मुझे ना वो एक्चुअली सॉल्ट रखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने लिया है। एक प्लेट्स भी काफ़ी सारे काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। और उसके बाद जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है वो है ये ज्वेलरी का शॉप। यहाँ पे ना इयररिंग्स बहुत वैरायटी के रहते हैं, साथ ही साथ छोटा मोटा सामान जो हम लोगों को चाहिए होता है वो सब मिल जाता है, सिंदूर की डब्बियाँ। मैं एक्चुअली ना दुर्गा पूजा से पहले ये एग्जीबिशन ढूंढ रही थी, बट आसपास कहीं लगी नहीं थी, तो इसीलिए ना मुझे यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी, बट चलो फाइनली दिवाली से पहले मिल गया है। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Kunta pochando. Choose coaches. That's it. Let's kill it. एकदम आयरन वाला है क्या? और इस दुकान से ना मैंने काफी सारा सामान लिया था लास्ट टाइम। यहाँ पे किचन का छोटा मोटा सामान मिल जाता है, और बहुत सारे नए नए डिजाइन का भी मिलता है। जैसे मेरे पास गोल्डन कलर का जो पैचुला वगैरह है ना, वो सब मैंने यहाँ से लिया है। और ये डक के डिज़ाइन में जो स्पून स्टैंड है ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली इसके ऊपर पॉलिश रहता है, बट अगर आप इसको डेकोरेशन के पर्पस में यूज़ करते हो ना बहुत अच्छा लगेगा। और ये ना प्योर ब्रास का है, दिखने में तो बहुत क्यूट लग रहा था और मुझे बहुत पसंद भी था, बट इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था, 1100 ऐसा प्राइस बोल रहा था। बर्गेनिंग करने से थोड़ा सा कम मिल जाता, बट मुझे इतना कॉस्टली नहीं चाहिए, मुझे कुछ लो प्राइस में चाहिए जो मैं कभी कभार यूज़ करूँगी, क्योंकि पूजा में ना कभी कभार ऐसे छोटे छोटे चीज़ें लगती है। जब मैं भगवान जी के लिए भोग बनाती हूँ तो उस टाइम पे ना मुझे इस टाइप की चीज़ें लगती है। और उस दुकान के बाद हम लोग आ गए हैं कारपेट की दुकान में। कारपेट मुझे एक्चुअली लेना है, बट मुझे कुछ कलर पसंद नहीं आ रहा था, मुझे कुछ लाइट कलर में चाहिए जो मेरे कोई भी कलर कॉम्बिनेशन हो उसके साथ चला जाए, बट यहाँ पे काफ़ी डार्क कलर था। इस रो पे आके ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गोवा में आ गई हूँ। गोवा पे ना आपको सेम डिज़ाइन का सेम शॉप देखने को मिलेगा, सेम सामान के साथ सेम डिज़ाइन का बैग था और साथ में ड्रेसेस थी, तो यहाँ पे आके ना थोड़ा सा गोवा गोवा फील होता है। और बैग का कलेक्शन काफ़ी सारा था, काफ़ी अच्छा अच्छा था। Even if the sky is falling down.
बाहर ना बहुत अच्छा अच्छा दिया वगैरह भी सेल हो रहा था, तो दिवाली के लिए हम लोगों को तो दिया लेना ही है, वही हम लोग देख रहे थे, क्योंकि उसके बाद उसका डेकोरेशन, उसको थोड़ा पानी में भिगोना, ये सब रहता है। बड़ा वाला छोटा वाला दिखाओ, बहुत बड़ा है। और इस टाइप का मेला ना हमारे यहाँ पे बहुत टाइम रेगुलरली हो ही रहा है। हाँ, रेगुलरली होता ही है, फेस्टिवल में तो बहुत ज्यादा। ओके, सो कृति शेयर करेंगे कि कृति ने क्या क्या शॉपिंग किया है वहां से। ये उसने लिया है एक स्कर्ट, ने हेयर बैंड लिया है एक छोटा और एक बड़ा, और ये एक सिंदूर है। और ये दो मेकअप ब्लेंडर है, एक ग्रीन कलर और एक व्हाइट कलर, और ये एक बटरफ्लाई ब्लू कलर का क्लिप है। किसके लिए है? मेरे लिए। और ये दो क्लेचर, क्लेचर कलर क्या है इसका? ब्लैक और रेड, रेड एंड ऑफ व्हाइट। और ये दो क्लिप, एक ब्लैक और एक कलरफुल। और ये दो सेट का सेफ्टी पिन, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक उसका। सिम्बा के दिए दे, सिम्बा नहीं तो सिम्बा को पोड़ी दे, देखा सुनो तूने। ये एक स्कर्ट है ब्लैक कलर का, ये कृति के लिए लिया है, और ये दे, ये देखो दिया था अमाके दीदी, दिया था अमाके पोड़ी था दीदी, दे दे की कुछ तुम लामी घूमते के उठे जो ले ले हम गुड़ाओ। ये ना बहुत ही प्यारा है हेयर बैंड, मुझे काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा है, कितना ब्यूटीफुल है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। ब्लैक हेयर में ना व्हाइट कलर का ये हेयर बैंड, ये 100 रुपीज पीस लिया है, एक एक का 100 रुपीज लिया है, तो मैंने दो लिया यहाँ पे। और इस टाइप का जो क्लिप है ना, मैं पहले बहुत यूज़ करती थी, अभी मैंने कृति के लिए लिया है, थोड़ा सा कलरफुल लिया है ताकि हेयर में अच्छा लगे, नहीं तो पहले मैं ब्लैक ही ज़्यादा यूज़ करती थी। When we wake, hear the birds and see the sun. और आज करवा चौथ का चांद निकला है, तो जो जो फ्रेंड मेरे करवा चौथ करते हैं उनको हैप्पी करवा चौथ। गाइज गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और थोड़ा थोड़ा करके बारिश भी स्टार्ट हो रही है। सैटरडे संडे तो अच्छा था वेदर, अभी स्कूल भी स्टार्ट हो गया है, बारिश भी स्टार्ट हो रही है, वेदर एकदम से चेंज हो गया है, देखते हैं पूरा दिन कैसा रहता है। और ये रंगोली ना नेक्स्ट डे ज़्यादा अच्छा लगता है, जब ये एकदम से ड्राई हो जाता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है नेक्स्ट डे। और पूजा के दिन ना इतने अच्छी तरह से ड्राई नहीं होता है, सब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। उस दिन ना कृति की शूज जो है भीग गया था, तो मैंने ड्राई करने के लिए दिया था, लगता है आज भी काफ़ी बारिश होगी। चलो आज ना फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, कृति आज भी शूज निकाल के आ जाना। उस दिन आई थी पूरा सॉक्स भीग गया था, शूज भीग गया था, 2 दिन टाइम लगा सूखने के लिए, और आज भी सेम सुबह से बारिश हो रही है। अतनु बास्टक होता है बाबा, अरे बाबा उठे कैसे, तो बाबा ही जाओ ना, तो हम ही जाओ फिर बेचना আমার দিদিকে আসছে না, দিয়ে যাচ্ছে কেন ছাতাটা নিয়ে কোথায় যাবো, আমি এদিকে দাঁড়াবো, আর ওর ছাতাটা কে নেবে, আমি নিব, এ বড়টা নিতে পারতিস, উপরে গেছে, ঠিক আছে বড়টাই, বড়টা নে, আমি
हम लोग बिस्किट सिम्बा के लिए ही खरीदते हैं, हम लोग तो खा ही नहीं पाते हैं। देखा ना आपने, बिस्किट की आवाज सुनते मतलब हम लोग इसके कंटेनर के अंदर हाथ डालते हैं ना तो उसको पता चल जाता है। Call